आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन इज अ सम ऑफ 2200 रुपीस इज इन्वेस्टेड एट टू रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट got after 4 years is 202.40 rupees. So what is the difference between the rates of interest? तो देखो, basically question में हमसे कहा जा रहा है कि exam में 2200 rupees का इस पे दो rate of interest लगाए गए हैं, ठीक है? तो उसके interest के बीच का difference 4 साल बाद 202.40 rupees है. तो rate of interest के बीच में difference कितना होगा हमें ये बताना है, ठीक है? तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 2200 रुपीस। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। टाइम पीरियड कितना गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 4 इयर्स। टाइम पीरियड हो गया 4 इयर्स। और हमें क्या गिवन है कि दोनों के इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस जो है वो इतना है, यानी हम लिख सकते हैं दैट इज सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 202.40 रुपीस हम यहाँ से कह सकते हैं। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा, दैट इज 2200 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 मान लेते हैं यहाँ का, इनटू टाइम पीरियड 4 इयर्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 2200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया R2 इंटू टाइम पीरियड 4 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल्स टू 202.40। तो देखो, यहाँ से इन दोनों टर्म से हम 2200 प्रिंसिपल अपना इंटू टाइम पीरियड दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 100, ये टर्म्स जो है कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 That is equals to 202.40। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ से दोनों जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ गया 88। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 202.40 डिवाइडेड बाय 88। 88 यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, तो इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, तो देखो सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हो जाएगा, ये 2 से भेज देते हैं 44, तो ये कितना आ जाएगा 101.20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 से काट लें डायरेक्ट, तो ये कितना आ जाएगा 11 फोर सा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9.2, तो ये हो गया 9.2। तो बेसिकली कितना बच गया, 9.2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 वन सा, तो ये हो गया 2.3। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ गया, दैट इज R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 2.3%। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम वैसे लिखेंगे तो 0.023। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन मैच आउट करें, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, तो डिफरेंस आया 0.023, तो ऑप्शन हमारा दैट इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।